दोस्तों नमस्कार, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से ये एक वादा किया था कि मैं मंगल के गोचर पे, जो आज शाम को 3 तारीख को होने जा रहा है, जो कन्या राशि को छोड़कर के तुला राशि में प्रवेश करेंगे और फिर उनकी युति बन रही है 18 तारीख को सूर्य के साथ। खैर, उस वीडियो में मैंने बात की थी कि दुनिया पर इसका असर क्या होगा, राजनीति पर क्या होगा और कुछ बाकी बातें मैंने कही थी। और मैंने ये भी वादा किया था कि मैं अब एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ जिसमें मैं बात करूँगा कि आपकी राशि, आपके लग्न के मुताबिक इसका असर किस तरह का पड़ेगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हाथ जोड़ करके मेरी गुजारिश है कि मुझे हमेशा ऐसे कमेंट मत भेजा कीजिए जिसमें आप मुझसे फिर से पूछते हैं कि मैं लग्न से देखूँ, मैं चंद्रमा से देखूँ। मैंने हर वीडियो में एक नहीं अनेकों बार कहा है कि आपको अपने लग्न से भी देखना है और चंद्र राशि से भी देखना है, क्योंकि लग्न आपको आपकी उस वक्त की परिस्थितियां बताएगा जिस परिस्थिति में आप हो, लेकिन उस परिस्थिति में आपकी मानसिकता कैसी होगी इसे देखने के लिए चंद्रमा भी देखना ज़रूरी होता है। तो किसी को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको दोनों को देखना है कि मेरी परिस्थिति कैसे बन रही है और उस परिस्थितियों में मैं किस तरह से उसका सामना करता हूँ, मेरी मानसिक स्थिति उस वक्त कैसी रहेगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। सबसे पहली राशि है मेष। मेष के लिए ये गोचर सातवें घर में होने जा रहा है, ये आपको ज़्यादा उत्तेजित कर सकता है, आप में एनर्जी होगी और वही आपको बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा उत्तेजित होइएगा ना। और वहीं पर सातवें घर में, क्योंकि ये गोचर होने जा रहा है, तो मैं बता दूं, जो लोग शादीशुदा हैं आपके शादीशुदा जीवन में कलेश पैदा हो सकता है। जो सिंगल है, शादी करना चाहते हैं, वो अगर थोड़ी कोशिश करें तो शादी आपकी हो जाएगी। और अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, खास करके पार्टनरशिप से, ये आपके लिए समय काफ़ी अनुकूल है, अच्छा है। वहीं पर मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ सेहत को लेकर के गड़बड़ी है, लेकिन वो गले को लेकर के अपना ध्यान जरूर रखिएगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल छठे घर में प्रवेश करेंगे। छठा घर जो है वो शत्रुओं का है, शत्रु हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। आपको पूरी तरह से फोकस्ड रहोगे पैसा कमाने में, बुरी बात नहीं है, आप कर सकते हो उसमें। आपके जो शत्रु है आपका बिल्कुल कुछ नुकसान नहीं कर सकेंगे। हाँ, आपके जीवन साथी की सेहत खराब हो सकती है, उसमें मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उसका आपको ख्याल रखना है। किसी को पैसा देना नहीं और किसी से पैसा मांगना नहीं, कोई उधारी नहीं करना, ना किसी को पैसा उधार देना। वहीं पर आपका रुझान, आपका इंटरेस्ट रहेगा कुछ धार्मिक कार्यों में, आप कर सकते हैं उसमें। अपने पापा की, अपने फादर की, अपने पिता की सेहत का ख्याल रखिएगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर होने जा रहा है पाँचवें घर में। पांचवें घर में होने के कारण आपकी वाणी, आपकी कम्युनिकेशन में काफ़ी जोर होगा, लेकिन यही कम्युनिकेशन खेल खराब भी कर सकती है। वार्तालाप के वक्त किसी से कुछ कह मत देना जिसके वजह से रिश्ते खराब हो सकते हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, मेडिकल की पढ़ाई है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, आपके समय काफ़ी अच्छा है। जो लोग शेयर मार्केट में अगर खेलते हैं या निवेश करते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है, लेकिन रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए, किसी से प्यार करते हैं, तो उसमें थोड़ी गड़बड़ी होने की संभावना दिखती है। ये अच्छा वक्त नहीं आपके लिए। खास करके ये बता दूं कि वो स्त्रियां जो प्रेग्नेंट है, गर्भवती हैं, उन्हें ज़्यादा ध्यान रखना होगा, ये गोचर उनके लिए कुछ हानि कर सकता है। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर चौथे घर में होने जा रहा है। चौथा घर आपका परिवार का है, परिवार में अच्छा समय तो होगा, एनर्जी होगी, लेकिन अगर मंगल अच्छी पोजीशन में नहीं है तो कोई थोड़े कलह होने की भी संभावना है। माँ के साथ में संबंध खराब होने की संभावना दिखती है। प्रॉपर्टी को बेचना लेना, उसके लिए समय बहुत अच्छा है, आप कर सकते हो। गाड़ी खरीदना चाहते हो, समय काफ़ी अच्छा है आपके लिए। ये परिवार में कुछ ऊंच नीच होने की संभावना दिखाता है। आपका अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बढ़ोतरी नज़र आती है, लेकिन शादीशुदा जीवन में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस ये मंगल का गोचर करने जा रहा है। सिंह राशि। मंगल का गोचर तीसरे घर में हो रहा है। तीसरे घर से आपका कम्युनिकेशन, संचार, संवाद, ये दिखता है।
इसमें आपको बहुत फायदा होगा, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। वहीं पर ये तीसरा घर छोटे भाई बहनों का भी है, उनसे भी सपोर्ट मिलने जा रहा है आपको, आपके कज़न से भी सपोर्ट मिल सकता है आपको। वो सभी लोग जो डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं या लॉयर हैं या वो कोई भी ऐसा कारोबार या प्रोफेशन है जिसमें आपकी ज़बान सबसे ज़्यादा काम आती है, आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। ये बहुत अच्छा टाइम है, आप अपने दुश्मनों पे भारी पड़ेंगे, दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। कुल मिलाकर के समय काफ़ी अच्छा है, गोचर काफ़ी अच्छा है आपके लिए। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर दूसरे घर में होने जा रहा है। यहाँ से आप कुटुंब भाव भी कहते हैं, धन भाव भी कहते हैं। जहाँ तक धन की बात है तो धन आपको संभाल के खर्च करना है। कुटुंब की बात करें तो कुटुंब में किसी से कलह होने की संभावना दिखती है। आपकी कम्युनिकेशन, आपकी वाणी में बहुत जोर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी को वाणी से दबाने की कोशिश करोगे, इससे रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। आपके गले में या आपकी आँख में कुछ समस्या हो सकती है। और अगर आप किसी से प्यार करते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ी बहुत कुछ कलह हो जाए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, और हो सकता है आपकी वाणी ही उसका कारण हो। तुला राशि, गोचर आपके लग्न में ही हो रहा है। ये गोचर आपके लग्न में होने के कारण एक आप में पैशन डेवलप होगा, रिलेशनशिप में आप देखेंगे काफ़ी अच्छा समय होगा आपका। आपके जो पार्टनर हैं, चाहे वो जीवन साथी हैं या और कोई पार्टनर भी हैं, उनसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन आपको डिप्लोमेटिकली इसको सॉल्व करना होगा। आप में ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा को अगर आपने सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया, बहुत एग्रेसिव हो गए, तो खेल ख़राब भी हो सकता है। आप अगर सिंगल हैं तो आपको एक अच्छा प्रपोजल आ सकता है, शादी का प्रस्ताव आ सकता है। जो शादीशुदा हैं उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। कुल मिलाकर ये गोचर काफ़ी अच्छा है, ये पूरी तरह से आपको सपोर्ट देने जा रहा है, परिवार का भी सपोर्ट आपके साथ है। वृश्चिक राशि, मंगल का गोचर 12वें घर में होने जा रहा है। 12वें घर में मंगल का गोचर होने के कारण आपको पावर तो मिल रही है, आप एम्बिशियस तो हैं, लेकिन खर्चे आपको संभालने होंगे। दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, 12वें घर से 6वें घर को मंगल देख रहे हैं। सेहत को लेकर के थोड़ी समस्या आ सकती है। वहीं पर अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के लिए ये समय काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी अनुकूल है आपके लिए। खर्चे संभालना, आप एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, आपके दुश्मन आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। थोड़ी बहुत कलह हो सकती है आपके लाइफ पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ में थोड़ी मतभेद होने की संभावनाएं दिखती है। धनुराशि, 11वें घर में मंगल का गोचर होने जा रहा है। ये गोचर 11वें घर में आपके लिए बहुत ही शुभ है। नए नए प्रस्ताव, नए नए एक्सपीरियंसेस, नए नए होराइजन्स आपके सामने खुल रहे हैं। पैसों की आवक अच्छी है, सोशल कॉन्टैक्ट आपके अच्छे बनेंगे। अगर आप शेयर मार्केट में खेलते हैं उसके लिए समय काफ़ी अच्छा है। अगर आप एक विद्यार्थी हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। मटीरियल, जिसको हम कहते हैं कि अगर आपको पैसे की मतलब आवक बढ़ सकती है आपकी, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आपको पूरी तरह से इसमें उतर जाना चाहिए। ये गोचर आपके लिए हर तरह से लाभकारी है। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए मंगल 10वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। 10वें घर से वो 4थे घर को भी देखेंगे, लग्न को भी देखेंगे और 5वें घर को भी देखेंगे। ऐसे में आप में करियर को लेकर के काफ़ी ऊर्जा होगी, पावर होगा आप, लेकिन पावर के लिए आपको कोशिश करनी है, किसी को हानि नहीं पहुँचानी है। वहीं पर ये एक अच्छा फेवरेबल टाइम है आपके करियर के डेवलपमेंट के लिए। 4थे घर को मंगल देख रहे हैं तो प्रॉपर्टी में अगर आप डील करते हैं या प्रॉपर्टी रियल स्टेट में काम करते हैं, आप कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। माँ की सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और अगर मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके प्रोफेशनल सर्कल से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, आपके सीनियर से सपोर्ट मिलेगा आपको, लेकिन एक बात है, अगर आप विद्यार्थी हो, पढ़ाई करते हो, तो उसमें थोड़े डिस्टर्बेंस आने की संभावनाएं दिखती है, आपको कोशिश करनी होगी। कुंभ राशि, ये गोचर जो होने को है वो आपके भाग्य स्थान में 9वें घर में हो रहा है। वहीं से मंगल 3रे घर को भी देख रहे हैं, 4थे घर को भी देख रहे हैं। ऐसे में आप में एक ऊर्जा है और पूरी ऊर्जा खर्च करोगे धार्मिक कार्यों में, फॉरेन कंट्री जाने की संभावनाएं बनी हुई यहाँ पे। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में, आपके जॉब में कुछ चेंज नज़र आता है।
और आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, खास करके मेडिकल रीजन की वजह से खर्चे बढ़ सकते हैं। आपके संचार में, वार्तालाप में, संवाद में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे बात करते वक्त, लेकिन ऐसी कोई बात मत करना जिससे आपको कोई किसी को हानि पहुंचे। आपको मैं गुजारिश करूंगा, अपने दिमाग को, अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा जब आप किसी से बात करते हैं, वरना खेल आपका खराब भी हो सकता है। बाकी ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा है। मीन राशि, ये गोचर 8वें घर में होने जा रहा है। इस वजह से आपका जो इंट्यूशन पावर है, आने वाली बातों का आभास हो जाना, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक ग्रोथ की तरफ आपका रुझान रहेगा। अगर आप एक विद्यार्थी हो और आप रिसर्च में काम कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, थीसिस लिख रहे हो, ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ये अच्छा समय है, कुछ कोई चीज़ों में आपको निवेश करना है तो आप उसमें निवेश कर सकते हो। आपसे, आपके द्वारा कहे गए शब्द किसी को हानि पहुंचा सकते हैं, इसीलिए शब्द का, जब आप शब्द का उपयोग करें तो सोच समझ के कीजिएगा। आपके छोटे भाई या बहनों से थोड़े मतलब मतभेद होने की संभावनाएं यहाँ पर दिख रही है, तो थोड़ा बात करते वक्त ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ये था मेरा विश्लेषण मंगल के गोचर पे जो आज होने जा रहा है, और उसका प्रभाव आपके लग्न राशि पे और चंद्र राशि में क्या पड़ेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना भूलिएगा नहीं।